दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगे हुए हैं, फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनको बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो अगर बात करें तो 9th क्लास की हमने एनसीईआरटी को कंप्लीट किया, इकनॉमिक की क्लास को, और उसके लिए प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब हम 10th क्लास को चल रहे हैं। रात को मैंने एक वीडियो डाली थी, वो पेन पेपर पर डाली थी, पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, पीपीटी बना के भी आपको दे देते हैं इस वीडियो को, ताकि आपको कुछ नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मेरे पास मेल आई थी। तो मैंने आपके मेल को एक्सेप्ट करने के बाद मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ और, आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के बने रहिए, क्योंकि मेरी इस पर सीरीज़ चल रही है। मैं आपको बताऊँ, लाइक अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं मिडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत होता है हमारा, मध्यकालीन भारत, उसकी मैं आपको एक सीरीज़ मेरी आज जो, यानी कि अगर मैं 18 अगस्त की बात करूं, तो आज मैंने खिजली वंश तक मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर, लाइक 15 maybe 20 डेज़ लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है नोट्स बनाने में मुझे, तो उस केस में मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री के पूरे कंप्लीट नोट्स मैं आपको दे दूंगा। और आपको मैं यही बोलूँगा कि कंपेयर करो यार, कहीं से भी कंपेयर करो, किसी भी कोचिंग वाले को पकड़ो, उसके नोट्स पकड़ो, मेरे नोट्स देखो, कंपेयर करो, बेस्ट लगता है तो पढ़ना, अगर बेस्ट नहीं लगता पीडीएफ को उठा के डिलीट मार देना। हाँ क्यों, क्योंकि नोट्स मैं बहुत शिद्दत के साथ बना रहा हूँ, ये तो बात होगी इसकी एक चैलेंज के साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर, अगर हम बात करें पहले इकोनॉमी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, लाइक अगर बोलें, ये देखो दो तरह से लोग होते हैं, एक लाइक जो एक इकनॉमी को जो सिर्फ रटते हैं, रट्टा मारते हैं, राइट, लेकिन आपने जो है रट्टा नहीं मारना है। इस चीज़ को आप एक मिनट, थोड़ा पेन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो आपने यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, आपने इकनॉमी को जो है समझना है बॉस, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए हैं, अगर आपको लगता है कि ये अरोड़ा आपकी अगर कुछ हेल्प कर रहा है, तो इकनॉमी को समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि रटोगे तो, जैसे कि आज CAPF का मैं एग्ज़ाम देख रहा था, तो उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा पूछी गई है, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड इकोनॉमी पूछी गई है। तो आप जो छोटे मोटे एग्ज़ाम जो UPSC रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक CAPF हो गया, CDS हो गया, तो वो भी एग्ज़ाम्स आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर अगर बैक टू द पॉइंट पे चलते हैं, विकास के बारे में बात करी गई है, यानी कि एक विकास, एक डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं लेके चलता हूँ एक यूनिक एग्जांपल लेके चलता हूँ, लाइक UPSC, और ठीक है एक ग्रुप डी आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप UPSC भी क्रैक करना चाहते हैं, आप ग्रुप डी भी क्रैक करना चाहते हैं। तो अगर विकास की बात करें, ध्यान से समझिएगा, विकास की बात करें तो हो सकता है शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हों, मान लीजिए UPSC नहीं होगी, लेकिन आपने ग्रुप डी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, लेकिन आप एक सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है मैंने ग्रुप डी तो एग्ज़ाम क्रैक किया, तो एटलीस्ट आपका ये विकास हुआ कि ठीक है यार, एक बेरोजगारी का जो ठप्पा, जो एक लेवल जो लगा था वो तो नहीं लगा, तो वो सारी चीज़ें मेरे पे हैं, यानी कि मेरा कहीं ना कहीं एक सिक्योर हूँ, गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, ये बात हो गई। ध्यान से समझना, तो यहाँ पे अगर आप संतुष्ट हो गए, यानी कि आपने अपने लेवल को मान लिया, ठीक है यार ग्रुप डी सही, कोई नहीं, समझौते के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एक इसी जैसे आपका एक फ्रेंड है, वो ये कहता है कि नहीं, मैं मुझे ग्रुप डी चाहिए नहीं, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, भले उसने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया हो, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो वो बोला नहीं, मुझे UPSC से नीचे मैं सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। और फाइनली अगर वो UPSC क्रैक कर लेता है, तो वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं लाइक सिलेक्शन हो गया। तो इज़ द काइंड ऑफ विकास। देखो मैं बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल यहाँ पे बातें करने आया हूँ, मुझे किताबी ज्ञान नहीं। अब एक और एग्जांपल का समझते हैं, अब एक बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से, वहाँ पे कहता है कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है जो एक गांव में रहता है, एक लड़का जो दिल्ली जैसे या फिर मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में रहता है। भाई गांव में सड़कें नहीं हैं मैक्सिमम केसेस में, अभी भी ऐसा नहीं है, ठीक है हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्क कर रहे हैं उस पर, अच्छी बात है, बट मैक्सिमम आज भी गाँव में सड़कें नहीं हैं। तो अगर वहाँ पर पक्की सड़क अगर बन जाए तो ठीक है भाई, गांव का विकास हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस लड़के का भी विकास हो रहा है, क्योंकि भाई वो जल्दी आ सके, जल्दी जा सकेगा। लेकिन शहरों में यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा विकास को लेके उल्टा है, यहाँ पे तो रोड तो पक्की रहती हैं, तो दोबारा से पक्की रोड बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहीं पर अगर मेट्रो खुल जाए, मेट्रो आ जाए, तो शायद ये बोलेंगे हाँ भाई विकास यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है।
तो हर आदमी के विकास के जो मायने होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। किसी के लिए विकास कुछ और हो सकता है, किसी के लिए विकास कुछ और हो सकता है, किसी एक आदमी के लिए। अगेन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि एक मिनट, हाँ, अगर एक आदमी के लिए, यानी कि अगर एक आदमी के लिए जो विकास होता है, एक आदमी के लिए जो विकास होता है वो दूसरे आदमी के लिए, जरूरी नहीं कि विकास हो, दूसरे, एक स्टेटमेंट हमें ये मिली, दूसरे आदमी के लिए विकास हो, राइट? यानी कि ये चीज़ समझ आ गई। इसके साथ साथ इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, लाइक सपोज इन्होंने एक डैम का भी एक एग्जांपल दिया है कि हो सकता है कि उद्योगपति के लिए मतलब कि वो काम एक विकास हो सकता है, लेकिन अगर उसके एक नकारात्मक पक्ष भी देखें, जैसे कि कल रात को मैंने वीडियो में समझाया था आपको कि उसमें ये हो सकता है कि भाई वहाँ पे जो विस्थापित लोग हो रहे हैं, वहाँ की ट्राइब्स को प्रॉब्लम आ रही है, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो विकास नहीं कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली जो बोली गई हैं, इसी को लेके जो है, विकास को लेके यहाँ पे जो चर्चा यहाँ पे स्पेशली जो है करी गई है। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। यानी कि विकास का मतलब ये है कि आपके लिए जो विकास है, जरूरी नहीं कि दूसरे आदमी के लिए विकास हो। आपके मायने में विकास का एक अलग कंसेप्ट है, दूसरे आदमी के लिए हो सकता है विकास का मतलब कुछ और कंसेप्ट है। आपका एक हो सकता है एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी वाइफ हो, एक अच्छा घर हो, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ आदमियों के लिए जरूरी नहीं कि एक अच्छा एक औरत और एक लाइक घर विकास नहीं हो सकता। उसके लिए हो सकता है वो सोशल लाइफ जीना चाहता हो, वो देश की सेवा करना चाहता हो, सॉरी उसके लिए पैसा कोई इंपॉर्टेंट ना हो। तो हर आदमी का एक अपना एक डिफरेंट एक सिनेरियो जो होता है, सोचने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसी की जैसे इन्होंने ये सब चीज़ें बताई जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो ये सारी वही चीज़ें हैं, आपको हिंदी में दे रखा है यार। अब देखो इस चीज़ में डेफिनेटली आपको काफ़ी, अगर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें, देखो इसमें सारी चीज़ें वही बोली हैं कि जरूरी नहीं कि अलग अलग ज़रूरतें होती हैं किसी की, और ज़िंदगी की परिस्थितियों के अनुसार जो है विकास का महत्व एक, यानी कि ज़िंदगी की परिस्थितियों के साथ देखें तो विकास का नज़रिया जो है बदल जाता है। अगर मान लीजिए आप यूपीएससी क्रैक कर गए हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए उस समय आपका विकास एक अलग मायने होगा। अगर आपको लेट सपोज अगर यूपीएससी नहीं हुआ, फेल हो गए, तो फिर उस केस में अगर आपको एक जॉब चाहिए सिर्फ, तो उस केस में आपका जो विकास एक अलग होगा। तो हर सिचुएशन यानी ज़िंदगी परिस्थितियों के अनुसार भी जो है अगर हम बात करें तो विकास के जो अलग अलग दर्जे जो देखें, अगर हम देखें तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें बोला विकास के लक्ष्य, विकास के लक्ष्य के अंदर देखिए कि अगर हम इस विकास को कैसे, कुछ कंट्रीज़ जो हैं अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज़ कैसे नापती हैं, अगर अगर हम देखें थोड़ा सा तो ये बेसिकली कैसे नापती हैं। तो देखो इन्होंने कुछ कंसेप्ट्स निकाले हैं, अगर हम बात करें तो इन्होंने यही बोला है कि भाई प्रति व्यक्ति आय से जो है, देखो पहले थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या। देखो किसी देश की कुल आय के साथ उसकी जो जनसंख्या होती है टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय भारत की जनसंख्या आज की बात करूं तो 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है अगर, और जितनी भी हमारा देश कमाता है उससे डिवाइड कर दोगे तो वो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। विश्व बैंक के अनुसार वैसे 28,000 है, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से आई थिंक 80,000 के आसपास, 80,000 यानी कि 80,000 रुपये के आसपास जो है हमें अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय हमारी इसके आसपास हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास है, मतलब 79-76 कुछ ऐसा हो सकता है। ये पुराना फैक्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखा था, जो मेरे टाइपिस्ट ने जो टाइप करके दिया, मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो यानी प्रति व्यक्ति आय को वो आय कहते हैं जिसमें कुल आय, देश की पूरी आय को जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है, तो उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गए, कोई उसमें कोई लफड़ा वाली कोई बात ही नहीं है। एक आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखना यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। एक बोलते हैं प्योर देसी मेरी तरह, और एक बोलते हैं फॉरनर लाइक ब्रिटिश, लाइक आप यहाँ पे अंग्रेज मान लीजिए, जो भी है, जो वो लोग जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। आई रिपीट अगेन, वो लोग जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, जिनके पास इलेक्शन कार्ड या कोई पासपोर्ट, कोई भी आइडेंटिटी हमारे देश की नहीं है, और एक वो दो जिनके पास सब कुछ है। तो इधर समझिएगा, देश के नागरिकों, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना, देश के नागरिकों यानी कि ये वो लोग जो हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के नागरिक हमारे देश के अंदर से हमारे देश के नागरिक काम करते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं वर्क करने। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की अगर बात करूँ तो विकासपुरी साइड की, तो वहाँ पे मैंने कुछ नाइजीरियंस पीपल्स भी, काफ़ी सारे कम्युनिटी यहाँ पे मैं एक ग्रोअप मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है, देश का विकास करें वो भी। लेकिन जीएनपी के अंदर उन बंदों को जो है अगर हम बात करें तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा,
यानी कि जो नाइजीरियन पीपल हैं जो हमारे दिल्ली के, तो उनको जीएनपी का अगर निकालेंगी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स ही हमें इन फ्यूचर में जब मैं लाइक सीरीज लेके आऊँगा इकनॉमी की बहुत डेप्थ में तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। फटाफट अभी मेरा यह कि मुझे 9th से लेकर 12th क्लास से एनसीईआरटी फटाफट खत्म करनी है। तो देश के नागरिकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रम और संपत्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित, ध्यान से समझिएगा कि देश के नागरिकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रम, यानी कि भाई जो भी श्रम जो भी बंदा कर रहा है साथ में संपत्ति द्वारा एक वर्ष, अब यहाँ पे एक वर्ड आया एक वर्ष, यानी कि एक साल, यानी ये नहीं कि दो साल तीन साल, नहीं एक एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं, यानी कि सभी वस्तुओं में सारी सारी चीज़ आएगी, कंज्यूमर गुड्स आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कोई भी वस्तु जो उत्पादित हुई है, आई रिपीट अगेन, जो एक वर्ष में जो भी वस्तु अगर उत्पादित हुई है तो इसमें अगर हम बात करें तो इस वस्तुओं में अगर सेवाओं का जो है बाजार मूल्य काउंट किया जाता है, अगेन जो मार्केट प्राइस है वो काउंट किया जाता है, ना कि फैक्टर कॉस्ट जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो उत्पादन लागत काउंट नहीं करी जाती, इसके अंदर बाजार मूल्य जो है काउंट किया जाता है। तो वंस अगेन सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर जीएनपी के अंदर देश के नागरिकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रम और संपत्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य है होता है। तो ये सारी सारी चीज़ें एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर देश के नागरिक, कैसे याद करें, देश के नागरिक जो एक वर्ष में उत्पाद वस्तुओं सेवाओं का करते हैं, कैसे देश के नागरिक जो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं तो उनको हम जीएनपी के तौर पे कहते हैं, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के तौर पे जो हमें जाना जाता है। अब चलते थोड़ा आगे, देखिए इसी के जैसे एक और कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है जिसको बहुत बेसिक से, देखो इसी से ही ये कंसेप्ट ही आपको डेवलप करने के आप यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ेंगे कि बेसिक बेसिक चीज़ें ही आपको जो है यूपीएससी की दौड़ में आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत, अब यहाँ पर अगर घरेलू देखो वर्ड सेम है, वहाँ पे भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, यहाँ पर घरेलू वर्ड आ गया, तो घरेलू के अंदर यहाँ पे आ गए आपके देसी लोग और साथ में विदेशी लोग, बस ये याद रखो। सकल घरेलू उत्पाद के अंदर ये मैटर नहीं करता है कि चाहे वो बंदा देसी कमा रहा हो चाहे वो विदेशी कमा रहा हो, कमा रहा है ना, उत्पाद हो रहा है ना हमारे देश में, यानी कि यहाँ पर यहाँ पे भौगोलिक सीमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पर जो मौद्रिक मूल्य के साथ साथ उसकी भौगोलिक सीमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि वो देश के अंदर अगर वो कमा रहे हैं तो इसके अंदर हम जीडीपी को लेते हैं। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट्स जो है बेसिकली अगर बात करें तो कुछ चीज़ें जो हों, बाकी इसके डेप्थ के अंदर जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जब करेंगे, अभी तो जस्ट जितना मुझे एनसीईआरटी ने बोला मैं उससे बाहर नहीं बढ़ाऊंगा, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बेटर यही है। तो यानी कि इसके अंदर यही हो गया कि देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापने का पैमाना जरिया सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख लाइक अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सॉरी गाइस कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रूम में, देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे था कि देखिए भारत में जो बेसिकली जो गणना करी जाती है अगर हम बात करें तो वो तिमाही आधार पर करी जाती है, यानी कि हर तिमाही में जो इनके नतीजे दिखाए जाते हैं इससे रिलेटेड है। ये कुछ मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़ दिया है, वैसे बुक में नहीं था, जस्ट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। बाकी यही है कि देखिए लाइक जीडीपी का जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद का जो बेसिकली जो उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर पर ही जो है स्पेशली दर्शाता है, यानी कि जो जीडीपी जो आंकड़ा होता है वो ये दिखाता है कि भाई कितने घटा कितना बढ़ा समथिंग कुछ प्रतिशत के अंदर, जो बेसिकली सब ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक औसत पैमाना जो है अगर हम बात करें औसत के आधार पर जो है जीडीपी जो बेसिकली हमें जो है दिखाता है। बाकी इसमें यही है, बाकी सिंपल अर्थों में जो मैंने आपको चीज़ें समझाई वो सारी यहाँ यहीं मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक शिशु मृत्यु दर भी इसके अंदर यही बोला गया कि देखिए शिशु मृत्यु दर बेसिकली अगर बात करें तो जहाँ पर प्रति 1000 के पीछे जो जन्मे बच्चों के ऊपर जो बेसिकली हमें जो है देखने को यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है अगर हम बात करें तो शिशु मृत्यु दर के अंदर अगर हम बात करें तो प्रति 1000 जन्म के पीछे लाइक कितने बच्चे जो हैं एक साल के अंदर मर रहे हैं तो उसको निकालने के लिए फिर तो उसको जो है हम शिशु मृत्यु दर यहाँ पे जो है हम कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा विकास के दृष्टिकोण से उतना ही अच्छा यहाँ पे माना जाता है, यानी कि अगर जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि एक हज़ार के पीछे मान लीजिए कोई दो या तीन ही मर रहे हैं या फिर वैसे तो मनानी चाहिए इनको भी लेकिन फिर भी कुछ कारणवश होते हैं तो अगर दो से तीन या फिर चार होता है तो बहुत अच्छे आंकड़े होते हैं। ये बेसिकली हमारे डेवलपमेंट जो डेवलप कंट्री होती हैं लाइक नॉर्वे हो गया ऊपर के जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हो गई
आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और लाइक स्वीडन हो गया, तो वहाँ पे ये जो आंकड़े होते हैं बहुत कम होते हैं, जब भी उनकी विकास दर बहुत अच्छी होती है। तो ये एक पैमाना जो है हमें जो है स्पेशली जो है देखने को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे ये बोला गया है कि विकास को मौद्रिक मूल्यों से यानी कि GDP से GNP से मत नापो, अगर नापना है तो शिशु मृत्यु दर से नापो, एजुकेशन से नापो, हेल्थ से नापो। अगर ये पैमाना अगर हमारे देश में लाइक हम कितना ही लाइक हम फिजिकल हैंडीकैप्स के प्रति कितने हम सहानुभूति रखते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकली हैंडीकैप्स देखें, प्रैक्टिकली दिल्ली के अंदर इस वेरी डिफ़िकल्ट, अगर बस में अगर कोई बंदा चलना चाहे, इवन लो फ्लोर बस भी आ गई हैं, मैं ये भी बोलूँगा दिल्ली के अंदर, बट कंडक्टर कभी नहीं उठता अपनी सीट से। तो ये सब बिहेवियर चेंज और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बस जो है इतनी जल्दी रुकती नहीं है, फिर और भी बहुत सारे चैलेंजेस आप समझ रहे हैं, लाइक रोड पे लाइक उनको स्पेशल स्पेस नहीं दिया जाता है, तो बहुत दिक्कतें यहाँ पे जो है स्पेशली अगर बात करें तो देखने को जो अगर हम बात करें तो देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यही सब चीज़ें होती हैं जो विकास, अगर सच में विकास होना है तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है फोकस यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। तो 2010 की गणना के 2011 की गणना के अनुसार ये हुआ कि शिशु मृत्यु दर अगर बात करें तो 30 पॉइंट यानी कि 1,000 के पीछे 30 बच्चों के आसपास जो है बच्चों की जो है मृत्यु यहाँ पे हो जा रही थी। तो इसी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता का जो है शिशु मृत्यु दर से जो है हमें जो है पता चलता है कि भाई किस देश के अगर जितनी कम शिशु मृत्यु दर होगी तो डेफिनेटली वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो वो काफ़ी अच्छी वहाँ पे देखने को मिलती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लाइक यहाँ पे पुरुष और महिला को यहाँ पे बेसिकली जो इन्होंने अनुपात के बारे में जो थोड़ा सा बात करी है यहाँ पे, और तो पुरुष और महिला को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे ये बोला कि देखिए देखिए लाइक प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, मिशन या फिर जो योजना है बहुत अच्छी चल रही है। तो इस केस में हमें ये देखने को मिलता है कि हरियाणा के अंदर अगर 1,000 पुरुष अगर पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ 800 सिर्फ महिलाएं पैदा हो रही हैं, ध्यान समझना 1,000 के पीछे। तो ऐसे अगर हम करोड़ पे बात करते हैं तो कितना डिफरेंस रेट आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो जिस वजह से प्रति 1,000 अगर पुरुष और महिला का अगर अगर हम अनुपात नापते हैं तो प्रति 1,000 पे नापते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जो बेसिकली जो लिंग अनुपात जो है नापा जाता है, तो हमारे देश के अंदर 2011 की गणना के हिसाब से देखें तो 1940 महिलाओं ही हैं, यानी कि 1,000 पुरुष के ऊपर 1940 महिलाएं ही सिर्फ हमारे समाज में हैं। तो वाकई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमें जो है देखने को मिलता है। ये आंकड़ा जितना कम होगा उतना ही उस देश के अंदर मतलब कि महिलाओं के प्रति जो है क्रूरता का व्यवहार या फिर बोले उनका विकास ना करना, उनके राइट्स को लेके नहीं आना, हमारे कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो आर्टिकल नंबर 14 जो हमारे जो संविधान का है उसके अगेंस्ट जो है खड़ा हो जाता है। तो ये वाकई हमें इवन हम लोगों को भी जो है इसके प्रति थोड़ा सा जो है समझना, हमें बारीकी जो समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर इसमें नेक्स्ट अगर बात करें तो जन्म के समय संभावित आयु की अगर यहाँ पे जो बालिक जो बात करी गई है, लाइक अगर मैं बोलूँ दो टुक में, तो देखो जब 1921 था, लाइक 1921 हो गया या फिर 1931 हो गया, तो उस समय जो संभावित आयु थी वो करीब 40 to 45 years के आसपास होती थी। लेकिन भारत ने 50 साल के बाद 60-70 साल हो गए हैं विकास किया है, तो आज 2011 के बाद देखें तो 67 जो है पुरुषों की जो संभावित आयु अगर हम देखें तो 67 साल है, यानी कि एक 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 नॉर्मल आदमी 67 साल के आसपास जो है जीता है, और साथ में महिलाओं की जो संभावित आयु है वो कुछ 72 साल हमें जो है स्पेशली जो है देखने को मिलती है। तो ये आंकड़ा जापान के मुकाबले कम है, जापान में ये आंकड़ा कुछ 85 के आसपास हमें जो है देखने को मिलता है, आई एम नॉट श्योर पर 80+ ही है जो भी है। तो साक्षरता दर की हम बात करें तो इसके अंदर ये बोला गया है कि देखो भाई जितना देश जितना ज़्यादा साक्षर होगा डेफिनेटली उसके जो है जो विकास होगा वो बहुत तगड़ा होगा। ये बात तो सही है क्योंकि शिक्षा में काफ़ी काफ़ी आप समझ रहे काफ़ी बड़ी ताकत है, ये तो बात सही है। और जिस वजह से निर्धन अक्सर देखा जाता है कि लड़का IIT में प्रवेश पा जाता है, और साथ में लड़के के लिए अगर बात करें तो IIT में प्रवेश पाना भी डेफिनेटली एक सुनहरा भविष्य अगर हम बात करें
तो सुनहरा भविष्य ही जो है हमें जो है अगर हम बात करें तो दिखाता है। तो शिक्षा का विकास 2011 की गणना के हिसाब से अगर हम देखें तो साक्षरता दर जो है हमारी जो 74% जो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो इसमें अगर हम पीपीटी की स्लाइड में देखें तो आधारभूत संरचना वह संरचना होती है जिसके अंदर लाइक अगर हम बात करें रेल हो गया, आपका विमान हो गया, पतन हो गया और साथ में विद्युत उत्पादन हो गया। तो कोई भी जो आधारभूत संरचना जो सभी उद्योगों का लाइक प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों को द्वितीय तृतीय क्षेत्रों के अंदर मीन्स कहने मतलब ये है कि विकास की तरफ आगे बढ़ाती हैं। आधारभूत संरचनाएं वही होती हैं जैसे कि सड़कें हैं। अब देखिए सड़क अगर सड़कें होंगी तो डेफिनेटली फिर चाहे वो आप चाहे कोई भी लाइक इंडस्ट्री हो, चाहे लोहे की हो, चाहे कोयले की हो, किसी चीज़ भाई सड़क से होकर गुजरेगी। तो जब सड़कें सही नहीं होंगी तो डेफिनेटली उद्योगों को घाटा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ईंधन ज़्यादा खपत होगा, लागत बढ़ेगी तो कंपटीशन से डेफिनेटली फिर हम बाहर हो जाएंगे। इसी की जैसे रेल जितने ज़्यादा रेल की फैसिलिटी होगी उतना पर्यावरण कम होगा, कहीं ना कहीं हमारे देश को फ़ायदा होगा, साथ में सामान जल्दी पहुँचा जा सकता है। पतन जितने ज़्यादा पोर्ट होंगे तो छोटे छोटे पोर्ट्स भी अगर बना लेते हैं तो डेफिनेटली फिर रोड का इस्तेमाल कम होगा, फिर उससे पतन डायरेक्ट कर लेंगे तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा हमें जो है देखने को मिलता है। देखिए फिर इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि देखो इन्होंने एक आंकड़ा दिखाया है कि यहाँ पे मतलब चीज़ें समझाई गई। देखो पंजाब है जैसे कि प्रति व्यक्ति आय 2013 या फिर 2003 की दिनों ने दिखाई कि भाई 26,000 थी, केरल केरल की 22,000 थी, बिहार की 5,700 थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक बात इस पूरे टेबल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो पंजाब में भली प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, केरल में भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर शिशु मृत्यु दर देखें तो पंजाब में 49 है, केरल में सिर्फ 11 है, लेकिन वहीं बिहार में तो ये तो बहुत सिचुएशन हो गई। लेकिन हम अगर हम इन दोनों आंकड़ों को देखें तो साक्षरता दर भी देखें पंजाब में 70% है, यहाँ पे 91 है। तो कहीं ना कहीं ये निवल 1 से लेके 4 जो अनुपात है ये तो है। मैं इन दो की बात करूँ, दो आंकड़ों की, तो देख रहे हैं कौन बेटर। ठीक है पंजाब की आय 26,000 के आसपास है, लेकिन केरल भी वो 22,800 पे खड़ा है, लेकिन इसका शिशु मृत्यु दर और साथ में साक्षरता दर बहुत अच्छा है। तो टॉप पे देखा जाए तो केरल ही होगा अगर हम बात करें, अगर सभी पक्षों को ध्यान में रखें जिसके अंदर सभी विकास के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये पूरा एक टेबल बताया गया है, यानी कि किसी भी देश में एक राज्य हो चाहे देश हो तो उसके अंदर विकास का मतलब एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और भी सारी चीज़ें जो पहलू जो हैं देखनी पड़ती हैं। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा और चैप्टर नंबर हमारा 1 क्लास 10th का कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा एमसीक्यू देख लेते फटाफट। यह हम यहाँ पे बोला कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। थोड़ा देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, देखो क्वेश्चन को एक बार रीड और करो। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, देखो यहाँ पे आधार पूछा है तो डेफिनेटली प्रति व्यक्ति आय है क्योंकि मैं चिल्लाता हुआ हूँ अभी 20 मिनट तक, औसत साक्षरता दर भी है कहीं ना कहीं ये भी ये पार्ट है, साथ में लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को भी तो ध्यान में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है औसत, हमें जो औसत उपरोक्त सभी जो है हमें जो है देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट को देखें ये देखिए ये इसका आंसर देगा। इसी जैसे ये भी बोला गया कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारा एक ही देश की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी है वो है श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि श्रीलंका में ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी और साथ में आपका जो एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है बॉस। तो वाकई हमें भी भारत को भी इसी चीज़ से जो है सीखना चाहिए। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो यार, ग्रुप में डालो। अब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, अरोड़ा का मतलब यही है कि कोई भी सीरीज अगर स्टार्ट करते हैं हम तो उसको कंप्लीट जरूर करेंगे। सो थैंक यू।